हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ग्यारह शक्ति ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस के आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इनको प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए इसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है यह है टू वन टू टू एट टू पॉइंट जीरो सिक्स करोड़ रुपीज का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसमें से इस कॉन्ट्रैक्ट में से ध्यान रखेंगे जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में वो इतना है इसमें से जो अमाउंट यूज किया जाएगा फॉर दिस इलेवन शक्ति ईडब्ल्यू एस वो है टू वन सिक्स सेवन पॉइंट फोर सेवन करोड़ रुपीज और जो बाकी बचा एक सौ चौदह करोड़ रुपए हैं वो यूज किए जाएंगे टू डेवलप वेरी लो फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स को डेवलप करने के लिए राइट एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है मार्क करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ 7500 करोड़ रुपीज इन जबुआ प्रदेश सबसे पहले हम बात करें तो प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका वाटर सप्लाई के लिए राइट ताकि बेटर वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके बेटर ड्रिंकिंग वाटर हो सके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रोड सेक्टर को डेवलप करने के लिए रेल सेक्टर को पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए इन मध्य प्रदेश फिर दूसरा जाता है एक स्कीम लॉन्च की गई पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वो है पीएम सूर्य घर पीएम सूर्य घर क्या है मुफ्त ये आपकी स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुफ्त बिजली योजना इसके अंदर क्या है तीन सौ यूनिट्स तक आपको अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगाते हैं छत पर तो आपको तीन सौ यूनिट्स तक फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पर मंथ एंड ये स्कीम एक करोड़ हाउस होल्ड तक ये बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई अंडर दिस पी एम सूर्य योजना मुफ्त बिजली योजना या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मध्य प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे मोहन यादव गवर्नर कौन रहेंगे मंगू भाई पटेल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाते हैं एम आई बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके द्वारा भी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं उसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं जैसे नेम्स चेंज कर दिए गए हैं कुछ अवार्ड्स के प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है कैटेगरीज को मर्ज कर दिया गया है एंड सो ऑन करेक्ट तो अगर हम देखें पहला जो एडिशन चेंज याद रखेंगे वो क्या है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर इस अवार्ड को चेंज करके ये कर दिया है दूसरा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज तो हम कहें तो इंदिरा गांधी जी एंड नरगिस दत्त

नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल तो नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है ग्रो जो कि है ग्रीनिंग इंडियाज वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल इससे क्या होगा इंडिया के एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी एंड इससे रिलेटेड वेबसाइट एंड पोर्टल होता है वेबसाइट वेबसाइट और रिपोर्ट रिलीज की गई जिससे क्या होगा रिपोर्ट की मदद से क्या होता है आपको इनसाइट पता लगती है अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्टर कि कैसे कैसे सेक्टर वो वर्क कर रहा है कहां पर कमियां हैं क्या उसके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं किन स्ट्रांग पॉइंट्स को हम लेवरेज करके और ज्यादा ग्रोथ उस सेक्टर में ला सकते हैं राइट एंड रिपोर्ट होगी डाटा होगा तो उससे क्या होगा एनालिसिस

इन्होंने रिलीज किया ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे राइट एंड इस ये जो सर्वे था ये आपका थर्ड क्वार्टर के लिए था फॉर फिजिकल ईयर ट्वेंटी फोर एंड ये आपका अक्टूबर से दिसंबर मंथ के लिए हो गया यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है निकल के सामने वो है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट जो कि बताया जा रहा है कि लोएस्ट है इन द लास्ट फोर ईयर्स करेक्ट पिछले चार सालों में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है हमें ये सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इवन अगर हम अनएलॉयमेंट की बात करें तो अभी आप देखेंगे यूके एंड जापान ये दोनों कंट्री ऐसी हैं जिनका भी रिसेंटली डाटा आया कि ये दोनों रिसेशन में है एंड रिसेशन में होने का मतलब क्या होता है कि जो जॉब लॉस है वहां पर आप देखेंगे रिसेशन के

250 मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और दूसरा है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ एफओएफ फंड ऑफ फंड ये दो को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है मिराई एसेट के द्वारा मिराई एसेट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके चेयरमैन कौन रहेंगे अन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यही योगेश चड्ढा देन वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे स्वरूप आनंद मोहाटी हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में एंड 2008 में इन्होंने अपना ऑपरेशन यहां स्टार्ट किया नेक्स्ट आरईसी इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन दामोदर वैली तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इन्होंने डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ यहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट 588 करोड़ रुपीस का रहेगा जिसके अंडर हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे इन दामोदर वैली रीजन और दामोदर वैली रीजन ये किस स्टेट में आता है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सीसीआई अप्रूवल्स पर सीसीआई अप्रूवल देखें तो वन पहली चीज है अभी सीसीआई ने अप्रूव दिया क्विजेशन ऑफ ताइनिश लेबोरेटरीज बायट्रिक्स फार्मा ताइनिश लेबोरेटरीज पाकिस्तान कराची पाकिस्तान बेस्ड आपकी ये कंपनी रहेगी ये एक्वायर करेगी हंड्रेड परसेंट पेड अप शेयर कैपिटल आई करेक्ट माइ सेल्फ मैट्रिक्स फार्मा एक्वायर करेगी हंड्रेड परसेंट ऑफ ताइनिश लेबोरेटरीज जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ताइनिश लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड है सेकेंड इसमें याद रखेंगे कोस्टल एनर्जन करेक्ट इसको एक्वायर करा जाएगा किसके द्वारा कौन एक्वायर करेगा इनको डी ए आई टी डी ए क्या है डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड योर अडानी पावर लिमिटेड ये दोनों मिलके हंड्रेड परसेंट एक्वायर करेंगे किसका कोस्टल एनर्जन का मूविंग ऑन नेक्स्ट इंडिया हैंडेड ओवर चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री तो अभी याद रखेंगे इंडिया में 2022 में हमने देखने को मिला था फाइड चेस चैंपियनशिप राइट या फिर हम बोले चेस वर्ल्ड कप जो हुआ था या फाइड चेस ओलंपियाड करेक्ट फाइड फाइव नहीं फाइड और ये फोर्टी फोर्थ एडिशन था फाइड चेस ओलंपियाड का महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुआ था दो में फिर अब याद रखेंगे इंडिया ने ही हैंड किया चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री तो हंगरी हंगरी में हमें देखने को मिलेगा फोर्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड में ये 24 ये यह सितंबर मंथ में होगा 2024 में कहां पर होगा हंगरी में राइट लोकेशन इंपॉर्टेंट है बुड्डा हंगरी में हमें यह देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है यू डब्ल्यू डब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन्होंने लिफ्ट कर दिया सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन तो इन्होंने इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन पे जो सस्पेंशन था ना उसको लिफ्ट कर दिया एंड इन्होंने एक कंडीशन रखी कि इनको जो एथलीट्स एसोसिएशन है उसके इलेक्शंस यहाँ पर कराने पड़ेंगे बिफोर फर्स्ट ऑफ जुलाई 2024 और अगर आपको याद हो तो सस्पेंशन भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर क्यों आया था क्योंकि टाइमली यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे थे ऑफ दिस एसोसिएशन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं

और 2025 में कब ऑब्जर्व करेंगे हम इसको 10 फेब को इसकी थीम याद रखेंगे 2024 में क्या थीम थी माइल एपिलेप्सी जर्नी आई रिपीट ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे तेरह फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे एंड इट इज टू सेलिब्रेट रेडियो एज अ पावरफुल एंड लो कॉस्ट मीडियम एंड टू प्रमोट देयर रोल इन फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग ब्रॉडकास्टर्स तेरह फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड रेडियो डे तेरवा एडिशन था इस वर्ल्ड रेडियो डे का एंड इसकी थीम भी यहां पर याद रखेंगे रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर तो अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा एक बजट प्रेजेंट किया गया है गोवा का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी फाइव जो की ट्वेंटी एट हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ रुपीज का ये आपका बजट रहेगा एंड यहाँ पर कोई भी नए टैक्सेस को इंपोज नहीं किया गया है नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर ओडिशा ने ये इंपॉर्टेंट रहेगा ओडिशा के द्वारा अभी रिसेंटली गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया गया एज देयर फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट आई रिपीट ओडिशा ने अभी अपना फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी जो कि है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इससे पहले अगर हम देखें मंदासारू महेंद्रगिरी एंड गंदा मर्दन ये तीन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी और अभी चौथी बन गई है वो है आपकी गुप्तेश्वर फॉरेस्ट नेक्स्ट काजी नेमू काजी नेमू को हम क्वीन ऑफ द ऑल सिट्रस फ्रूट के नाम से जानते हैं ये एक सिट्रस लेमन है करेक्ट एंड ये अभी स्टेट फ्रूट डिक्लेयर करा गया है असम का काजी लेमन को जीआई टैग भी मिला था 2019 में करेक्ट तो याद रखेंगे क्या नया स्टेट फ्रूट बना है असम का क्या नाम रहेगा उसका काजी नेमू जिसको हम क्वीन ऑफ ऑल सिट्रेस फ्रूट के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बीई के साथ वर्ड टू टू एट टू करोड़ रुपीस ताकि ग्यारह शक्ति ईडब्ल्यू एस प्रोक्योर की जा सके इंडियन नेवी के लिए देन पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ करोड़ इन जबुआ लेकर MIB ने रिवाइज किया नेशनल फिल्म अवार्ड को एंड इंदिरा गांधी जी एंड नरगिस दत्त इनके है फ्रॉम इन्होंने लॉन्च किया लॉन्च किया गया करेक्ट ग्रो पोर्टल एंड रिपोर्ट देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप कर गई टू 6.5 फाइव परसेंट इन दर्ड क्वार्टर ऑफ ईयर जो कि बताता है लोएस्ट लेवल अनएम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट फोर इयर्स फिर यह डाटा रिलीज किया गया इन द्वेंटी फर्स्ट क्वार्टरली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि एन के द्वारा रिलीज किया जाता है देन मिराई एसेट ने लॉन्च किए दो स्मॉल कैप फंड्स जो कि पहला है मल्टी फैक्टर बेस्ड ईटीएफ ऑन स्मॉल निफ्टी टू फिफ्टी इंडेक्स एंड दूसरा है आपका फंड ऑफ फंड रिलीज किया गया तो दो लॉन्च किए गए याद रखेंगे देन किया ने एंड डीवीसी ने ज्वाइन किए हैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में रहेगा देन सीसीआई अप्रूवल्स हमने देखा इंडिया ने ज्वाइन किया हैंड्स ओवर या फिर इंडिया ने जो चेस ओलंपियाड टॉर्च है उसको हैंड ओवर किया टू हंगरी क्योंकि हंगरी में भी हमें चेस ओलंपियाड देखने को मिलेगा फोर्टी फिफ्थ एडिशन न यू डब्ल्यू डब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इन्होंने लिफ्ट कर दिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सस्पेंशन ऑन अ कंडीशन की एक जुलाई दो हजार चौबीस से पहले इनको इलेक्शन कराने होंगे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे बारह फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे तेरह फरवरी एंड गोवा के चीफ मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट फिफ्टी करोड़ रुपीज का बजट फॉर फिजिकल ईयर ट्वेंटी फाइव एंड कोई भी नए टैक्स यहाँ पे इंपोज नहीं किए गए देन ओडिशा ने अभी अपना चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया वो है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एंड काजी नेमू वॉज नेम्ड एज द स्टेट Awesome. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट सेशन पसंद आया तो एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे कहां पर है वॉशिंगटन डीसी में इनके द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको फॉरकास्ट किया गया फॉर दो इवन 25 के लिए कितनी जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है तो इनके हिसाब से इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.5 परसेंट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर फुल टाइम मेंबर के तौर पर किन को यहाँ रिसेंटली वो है निरंजन राजाधक्ष अजय नारायण झा एनी जॉर्ज मैथ्यू तो इन तीनों को यहाँ पे अभी फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है और चार मेंबर्स पे अपॉइंट किए गए टू दिस सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा अपॉइंट किए गए उनमें से तीन तो ये फुल टाइम हो गए एक आपके पार्ट टाइम मेंबर है उन पार्ट टाइम मेंबर का क्या नाम रहेगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो वो है सौम्या कांति घोष सौम्या कांति घोष अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिलीज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी इनके द्वारा ये रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट रिलीज की गई हाउ मैनी स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया कितने नंबर क्या है स्नो लेपर्ड्स का इंडिया में तो सबसे पहले याद रखेंगे जो ये स्नो लेपर्ड्स है ना ये आपके एंडेंजर्ड लिस्ट में एंडेंजर्ड रखे गए हैं इन द रेड लिस्ट रेड लिस्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है आई के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इंडिया में जो स्नो लेपर्ड है इनकी कितनी संख्या है सात सौ अट्ठारह करेक्ट और ये जो सर्वे करा गया इनकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो से दो के बीच का सर्वे है नेक्स्ट अभी सीपीआई रिलीज़ किया गया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन नहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये करप्शन के बारे में डाटा देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था 2024 जैन का ये रिलीज़ किया गया था पूछा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ये सी रिलीज़ किया है यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी तो इंडिया आ जाता है इस पोजिशन में किस नंबर पर नाइन्टी पर करेक्ट और टॉप किसने किया है यहाँ पर वो है डेनमार्क टॉप करने का मतलब सबसे कम करप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है डेनमार्क में देखने को मिलता है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा इंडिया की जो पोजिशन है नाइन्टी थ्री ये इंडिया किसके साथ शेयर करता है तो इंडिया कजाकिस्तान एंड मालदीव के साथ इस पोजिशन को शेयर करता है हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नाइन्थ चेयरमैन ऑफ टी आर ए आई फॉर थ्री ईयर्स टी आर ए आई देट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नाइन्थ चेयरमैन बने हैं वो तीन साल का इनका टर्म रहेगा किन को अपॉइंट किया गया है यहां पर अनिल कुमार लाहौटी को ये किनको सक्सीड करेंगे पी डी वाघेला करेक्ट ये इनको सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू नाइन्थ चेयरमैन ऑफ टी आर ए आई और तीन साल के लिए इनको यहाँ अपॉइंट किया गया है उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अपॉइंट किया एच आर खान को एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन तो कौन है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने फॉर्मर डेप्टी गवर्नर ऑफ आर बी आई एच आर खान को पार्ट टाइम चेयरमैन इनका अपॉइंट किया विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टीएथ ऑफ जनवरी दो हजार चौबीस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो तीस जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टर्स डे या शहीद दिवस कब और क्यों ऑब्जर्व करते हैं एक तो कि जो लोगों ने जो सोल्जर्स ने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया है ताकि हमारा नेशन सेफ़ रह सके उसको ऑब्जर्व करने उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड एज वेल एज तीस जनवरी को ही हम महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व करते हैं ये भी याद रखेंगे और इस साल 2024 में सेवेंटी सिक्स डेथ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की महात्मा गांधी की तीस जनवरी को विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेडल्स अलॉन्ग विद यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर मेरिटियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस हैव बिन मर्स टू फॉर्म अ न्यू मेडल जिसका नेम रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता मेडल और दक्षता पदक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो अभी इन तीन मेडल्स को अलॉन्ग विद अवार्ड यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर मेरिशियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस को मिलाया गया जो कि है यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड असाधारण असूचना कुलशत्ता कुशलता पदक इन तीनों मेडल्स को मिला के अलोंग विद दिस अवार्ड तो चार अवार्ड्स को मिलाया गया और क्या बनाया गया केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है इन कौन से चार अवार्ड्स मिलाए गए हैं नेक्स्ट आ जाएगा अभी आई के द्वारा इश्यू गाइडलाइंस की गई है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आयुष से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा ना उसको इंक्लूड करेंगी अगर कोई पेशेंट अपना आयुष जैस जो कि आयुष में आ जाता है आयुर्वेदा योगा न्यूरोपैथी यूनानी सिद्धा रोवा स, सोवा रिक्पा होम्योपैथी इनको ऐड करना चाहता है इन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं इस पर वो पैसा स्पेंड करता है तो उनको इंश्योरेंस के तहत उनके पैसे यहाँ पे रिफंड करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को जो वो क्लेम लेते हैं करेक्ट ये कब से इनको फॉलो करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल दो जय शाह ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर फॉर दर्डिक्यूटिव टर्म राइट जैशॉइंटेंट ऑफ एशियन क्रिकेट नेक्स्ट ग्रीन प्रपलशन सिस्टम डेवलप्ड अंडर दी डी एफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ऑफ डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इनऑर्बिट फंक्शनैलिटी ऑन डैश पेलोड जो की कि लॉन्च किया गया पी एस एलवी सी फिफ्टी एट मिशन के द्वारा तो पी एस एल वी सी फिफ्टी एट रॉकेट के द्वारा एक पेलोर लॉन्च किया गया उसका नाम रहेगा रुद्रा डेवलप किया गया मूविंग ऑन नेक्स्ट एक अभी हम बात हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो कौन सा एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तो छठा एडिशन हमें देखने को मिला था अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 19 से लेके जनवरी तक हुआ था लोकेशन पूछी जाएगी कहाँ पर हुआ था तो तमिलनाडु में हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में करेक्ट यहाँ पे टॉप किसने किया मेडल टैली में महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है हरियाणा महाराष्ट्र के कितने मेडल्स थे मेडल, मेडल टैली में जिन्होंने टॉप किया 158 मेडल्स के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र ने मेडल टैली में टॉप किया है इन द सिक्स एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स फिर यहीं पे एक मैस्कॉट का भी नाम याद रखेंगे ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे एडिशन का वो है वीरा मंगाई ठीक है नेक्स्ट इंडियन वीमेंस हॉकी टीम इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता इन द एफ आई एच वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 जो कि कहां पर हुआ था तो ये जो आपका फाइनल इवेंट था एफ हॉकी फाइव एस वर्ल्ड कप का ये मुस्कट ओमन में हुआ था यहाँ पे विनर कौन रहा गोल्ड मेडल किंग्स की, ने की टीम ने जीता नीदरलैंड्स की टीम ने पे मेडल जीत लिया है गोल्ड मेडल इन द एच हॉकी फाइव एस वीमेन्स वर्ल्ड कप दो हजार चौबीस जो कि मुस्कट ओमान में हुआ नेक्स्ट आ जाते हैं यू एन वर्ल्ड वेटलैंड डे दो हजार चौबीस की बात करें इट वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब थीम ऑफ वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग करेक्ट तो बता पूछा जा रहा है वेन वॉज दिस वर्ल्ड वेटलैंड ऑब्जर्व तो सेकेंड फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे और इसकी थीम पर आपको दी गई है मार्क करके चलेंगे वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग आ जाता है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर एज द डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु तो तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी एटीनथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी तमिलनाडु की मार्स रोबोट हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी इंजेन्युटी करेक्ट ये आपको याद रखना है मार्स पर एक ड्रोन कह सकते हैं या फिर हम ड्रोन की जगह हम ड्रोन ही बोलेंगे इस हेलीकॉप्टर की मदद से सर्वेलेंस किया जाता था इमेजेस ली जाती थी करेक्ट ट्रैवल किया जाता इसका नाम है इंजेनविटी करेक्ट ये अभी पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन का है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है नासा के द्वारा क्योंकि नासा का ही ये मिशन था टू मार्स अब याद रखेंगे इस जो इंजेनविटी है ना इसने अपनी लास्ट फ्लाइट ली थी सेवन इसकी अभी लास्ट फ्लाइट हुई थी एंड सेवेंटी थी जब इसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया यह सोलर एनर्जी से चार्ज होता था ठीक मार्स पर नेक्स्ट आ जाता है कौन सा एडिशन ऑफ रेजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑब्जर्व किया हमने फर्स्ट ऑफ एप 2024 में तो फोर्टी एट एडिशन था यह रेजिंग डे का करेक्ट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि हमने एक फरवरी को ऑब्जर्व किया नेक्स्ट विच कंट्री विल होस्ट 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा दो सत्ताईस में और ये टेस्ट चैंपियनशिप किस स्पोर्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं क्रिकेट से ऐसे ही अभी याद रखेंगे 2024 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स होंगे करेक्ट और ये जून जुलाई में या आपके जुलाई में आपकी ओपनिंग सेरेमनी होगी इसकी आरबीआई ने डिसाइड किया टू मेक अवेलेबल एन एडिशनल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डैश अमाउंट टू स्टैंड स्टैंडलोन प्राइमरी डीलर्स अंडर द स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी थर्टी फर्स्ट तो यहाँ पे पाँच करोड़ रुपीज़ की एडिशनल अमाउंट एग्रीगेट एडिशनल एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल प्रोवाइड कराने की बात की गई टू एस अंडर स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी अगर मैं बात करूँ यहीं पर आपकी जो रेपो रेट है वो कितनी है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट अभी जो इंटर्म बजट आया था उसमें भी रेपो रेट को सेम रखा गया था नेक्स्ट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इनेमोल मैक्रॉन प्रेजिडेंट ऑफ़ फ़्रांस टू इंडिया करेक्ट इनेमोल मैक्रॉन ने विज़िट किया इंडिया को करेक्ट ये चीफ गेस्ट थे अभी जो हमने रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया ये सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे था एंड इनेमोल मैक्रॉन ने जब यहाँ पे विजिट किया तो इंडिया की एक कंपनी ने एयरबस एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ एक टाइप करा एक एम साइन किया और इस एम के अंडर एच वन टू फाइव हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप करेंगे इसके लिए एक फाइनल असेंबली लाइन एक फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने की बात की गई इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ किस इंडियन कंपनी ने एमओ साइन किया वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि अभी पांच वेटलैंड्स को ऐड किया गया है टू रामसर साइट्स तो ये जो पाँच वेटलैंड्स ऐड करे गए हैं तीन तो आपके ये कर्नाटका से हैं एंड दो तमिलनाडु से हैं जो टोटल नंबर हो गया है इन रामसर साइट्स का अब वो हो गया है एटी पहले सेवेंटी फाइव था पाँच और ऐड हुए तो अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया कितनी है एटी नेक्स्ट सुल्तान इब्राहिम इबिन अल महरूम सुल्तान इसकंदर वॉ सन इन एज द सेवनटीन किंग ऑफ डैश कंट्री तो ये अभी सत्रहवें किंग बन गए हैं कहाँ के मलेशिया के नेक्स्ट डॉक्टर नीरज मित्तल ये चेयरमैन है ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन लॉन्च इनके द्वारा भारत 5G पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है भारत टेलीकॉम 2024 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था पूछा जा रहा है कि किस काउंसिल सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था ये इवेंट इन कोलेबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन तो ये रहेगा टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने रिलीज़ किया ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पूछा जा रहा है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था 2021-22 में फॉर हायर एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 से 23 वो कितना परसेंट ज़्यादा था या फिर इंक्रीज टू कितना परसेंट था जो कि 2021-22 में 27.3 परसेंट था तो यही बढ़ के दो हजार में कितना हो गया 28.4 परसेंट ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट नाइन परसेंट का यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में और एक और चीज ये जो आईसी है ये सर्वे है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन इस आईसी की बात करें तो याद रखेंगे ये विच एडिशन ऑफ दिस ए आई एस एच ई है तो ये आपका ट्वेल्थ एडिशन रहेगा करेक्ट नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन पहला व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई जागृति पोर्टल दूसरा कस्कूटा डॉडर यह भी न्यूज में था यह क्या है थर्ड विच कंट्री वन द दाइन्थ गाउटेक प्राइज फॉर ए आई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्थ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज हैजिशली डिक्लेयर काजीनेमू जो कि एक सिट्रेस लेमन होता है एज देयर स्टेट फ्रूट फिफ्थ नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली इन न्यूज ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है तो ये पांच आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session. And you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.